नाजिन आज की वीडियो मैं लड़कियों के साथ करने आया हूँ, मेकअप पे। मेकअप कितना महंगा हुआ है, मेकअप की उनकी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस है, शोहरत राज से पूछेंगे वो कितना तंग है इतना महंगा मेकअप लेके देने में। अंदाजन कितने किलो लग जाता है एक महीने का? किस नज़र ना देख रहे हो लोगों को? गलत नज़र ना देख रहे हैं। जेड़ा 126 दिन धरने च नचदियां रहियां ने उन्हां दी व्याह तो मेकअप महंगा होया। सोहनी कितों लगदी? चड़ेल लगदी। इधर मेरे घुमाओ जरा, सारी चड़ेलां वेखो ते सही। घर वी दी छेड़खानियां करदे रहिंदे जनाब उदों कड़ी दी जदों रज्जे होईए रात 2 बजे सोंदा नहीं तू? माशाल्लाह बुढ़ी है, मेरी को हाथ ही कराया ते नहीं लियांदा जिन्ना मना मेकअप लगना जिन्ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दिल मेकअप कर बैठा है, मेकअप कर बैठा है दिल, दिल मेकअप कर बैठा, अब बोल तुम्हारा क्या होगा, बोल तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल बस। नाज़रीन आज की वीडियो मैं लड़कियों के साथ करने आया हूं, मेकअप पे। मेकअप कितना महंगा हुआ है, मेकअप की उनकी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस है, मेकअप के बगैर लड़की कैसी लगती है, उसके बगैर कैसी लगती है, और शोहर हज़रात से पूछेंगे वो कितना तंग है इतना महंगा मेकअप लेके देने में। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ऐनक लाई है, वेल्डिंग करना आए हो पार्क च? बस लोगों को वेल्डिंग ही कर रहे हैं वेख लो। अच्छा जी, किस नज़र ना देख रहे हो लोगों को? गलत नज़र ना देख रहे हैं सर। मेकअप है लफ्ज़ सुने होना तुम्हें, कितना कितने देखा भी होना, कीता भी होना कितने ना कितने। हाँ जी, है ना? हाँ जी, मैनू पता सी। ते ऐ अजकल महंगा हो गया वा, की कहोगे? ते ऐ ते मेकअप महंगा हो गया काफ़ी ज़रा। जिहड़ा 126 दिन धरने च नचदियां रहियां ने उन्हां दी व्याह तो मेकअप महंगा होया। असल अगर तुसी पुछो ना तो देखो हर चीज़ महंगी हो गई है, सिर्फ मेकअप नहीं महंगा होया, हर चीज़ महंगी हो गई है। 126 दिन जिहड़ियां नचियां ने उन्होंने करवाया नच नच के मेकअप महंगा। खान साहब की घूमत आई है, हुसन घट नहीं गया दुनिया से? हुसन घट गया, चड़ेलां वध गईयां ने। चड़ेलां किदां वध गईयां ने? ए मेकअप वाली चड़ेलां ही ने। किदां ए मेकअप करके आई जांदियां ने डराने वास्ते लोगों नूं? नैचुरल ब्यूटी तुसीं देखो ना, नैचुरल नैचुरल है। ते जिहड़ा मेकअप करदियां 2-2 किलो आटा थप के आई जांदियां ने बंदे डराण। तुहाडी शादी होई है? मेरियां अलहमदुलिल्लाह 3 शादियां होईयां सी। कित्थे गईयां? पहली भी मेकअप दी वजह छड्डी है, दूजी भी 4 महीने बाद मेकअप तो बगैर छड़ती, वह भी मेकअप करती सी, तीजी भी छाड़ती है। हुण मैं सरगोधियों लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, सारा कुछ चाड़ चढ़ा के कमैर च लिखा लिया करना बगैर मेकअप तो कबूल है। बस हूँ जो चौथा करा ना तो चाह ही लिखावगा। इन्नी चिड़का तो मेकअप तो यार सोहनी सोहनी चीज़ लगती है। नहीं सोहनी कितों लगती? चड़ेल लगती है। इधर मेरे घुमाओ जरा, सारी चड़ेलां वेखो तो सही। तो ना कह सारे नहीं कहना, चड़ेलां वेखो मेकअप करके आई जाए ने इतने दिमाग जे इतने चड़ेलां तो तुम ठीक कर रहे हो। बस असं भी जीन बन गए हैं मरे मैनू ना खा ली। पाकिस्तान में हुसन कम होता जा रहा है क्योंकि मेकअप महंगा हो गया, लड़कियां करना छोड़ गई हैं। उसके बगैर कैसी लाइफ है? बेसूरा बंदा लगता है, बंदा कैसे करे ना मेकअप करे तो बेशकल लगता है। जो खामद हजरात हैं, शोहर हजरात हैं, उनको आदत होती है बेगम को मेकअप में देखने की, वो बड़ी खूबसूरत लगे हैं। आज कल बंदा क्या करे? नहीं, जब उसके बगैर आप अपने खामद के सामने जाएंगी तो वो पहचानने से इनकार कर देंगे कि भैया तू कौन है। ऐसा बिल्कुल 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 ऐसा ही है जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ 3 छोटी दुनिया मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि मेकअप कितना लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ। कौन सी क्लास में? BSIT कर रही हूँ, 3rd सेमेस्टर। तीनों IT की हैं? नहीं नहीं, मैं कॉलेज की हूँ। मैं कुछ नहीं करती, फाड़ी हूँ। आप मेकअप करती होंगी? अच्छा मुझे ये बताएं कि मेकअप आपका एक महीने का कितना लग जाता है, कितने मन लग जाता है? हम इतना करती नहीं है। मेकअप के बगैर औरत का क्या गुजारा है? सिंपल ज़्यादा अच्छी औरत लगती है। हाँ जी, सिंपल ज़्यादा अच्छी लगती है। आप बताएं आपने सबसे ज़्यादा मेकअप किया हुआ है? नहीं, मेरा फेयरवेल था ना, इसलिए ज़्यादा मेकअप किया। अच्छा, इधर फेयरवेल था आपका? नहीं, इधर नहीं था, कॉलेज में था। अच्छा, कॉलेज से इधर आ गई हैं? वो घूमने आए हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि घर में आप मेकअप के बगैर चल फिर रही हो, आपके जो छोटे भांजे भतीजे होते हैं वो डर जाएं कि ये कौन आ गया? नहीं नहीं, सिंपल पहचान लेते हैं, मेकअप करके डर जाते हैं। मेकअप की प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हुई हैं इस हुकूमत में। पाकिस्तान में हुसन कम हो रहा है क्योंकि मेकअप नहीं कर पा रही हैं, ये कह रही हैं सादगी में बरकत है, हालांकि मुझे लग रहा है पैसे कम हैं। नहीं नहीं, सिंपल ज़्यादा अच्छा लगता है इंसान। अच्छा, हाँ जी। कितना परचेज कर लेती हैं एक साल का? हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं मेकअप, बहुत ज़्यादा। ये तो आपने हुआ है। डिमांड क्या होती है? आप जाती हैं कॉलेज में, जाती हैं, ये लड़कियों के जहन में कॉन्सेप्ट बन गया है कि मेकअप के बगैर हमने अच्छा नहीं लगना, क्योंकि नैन नक्श होते हैं पहले, वो मेन चीज़ वो होते हैं ना। लिपस्टिक होता है कि इंसान लिपस्टिक लगा के जाए, उसके बगैर ज़्यादा ही थोड़ा गंदा लगता है। जो लड़कियाँ आजकल मेकअप ज़्यादा करती हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब मुँह धोके अपने खामद के सामने जाती हैं वो कहता है भैया मैं तुमको तो देखे। लड़कियाँ मेकअप करती हैं फिर उनके स्किन पर पिम्पल्स भी बन जाते हैं।
साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके? बहुत ज्यादा होते हैं। कभी कभी करें तो वो ठीक है, डेली तो नहीं ना होता। नहीं, आपने यहाँ पे कई देखी होंगी, इतना ओवर मेकअप किया होता है कि वैसे बंदा डर जाता है। इमरान खान के धरने में लड़कियाँ जाती रही हैं, उनका उनका मेकअप ही महंगा कर दिया खान साहब ने, क्या सोचती होंगी? अल्लाह से पूछे। आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान में हुसन कम हो गया क्योंकि मेकअप लड़कियां कम कर गई हैं? ज़ाहिर है मेकअप अब महंगा हुआ है तो लोग इतना अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, वो आप कह सकते हैं। इसके बगैर तो फीमेल के आप मेल भी नहीं रहते, मेकअप के बगैर आप देखो ना कि मेल निकले हो तो वो भी नहीं निकलते। और शोहर हजरात जो हैं उनको मेकअप में अपनी वाइफ्स को देखने की इतनी आदत हो चुकी है, अगर वाइफ वैसे आ जाए मुँह धो के तो वो पहचानने से इनकार कर देते, पहना तू कौन? ऐसा होता भी है तो, लेकिन ये चीज़ है कि नहीं लेके देते आप, वो कहती हैं कि आप मैनेज करो, बाकी बेसिक जो घर की ज़रूरियात है उसको आप पूरा करोगे कि आपको मेकअप लेके दें। अंदाजन कितने किलो लग जाता है एक महीने का? फिर डिपेंड करते हैं कि आप डेली आप यूज़ करते हो कि आप मतलब कभी कभार अपने निकलना हो तो तब करते हो। कुड़ियाँ तुरियाँ फिर दियाँ वा, आंटियाँ तुरियाँ फिर दियाँ वा, सारा कुछ हैगा वा, मेकअप थपया इना इना, ठीक है। मैं तुहानू देखिया तुसीं सिंपल लग रहे हो माशाला, इत्थे बैठे हो बगैर मेकअप तो, तुसीं अपनी सारी लाइफ इदा ही हाँ कि तुसीं भी मेकअप करते हो? मजे की गल है कि मेरे घर जो मेकअप है ही नहीं। अच्छी गल है। ए जिहड़ियां कुड़ियां मेकअप कर दियां इन्हां नू की कहना चाहोगे? खूबसूरती दिल के अंदर नहीं होंगी? नहीं नहीं, अच्छी गल है, मेकअप करना भी एंटरटेनमेंट, अच्छी गल है, बुरी गल तो नहीं। नहीं जिहड़ियां पछाणियां नहीं जांदियां मन मन आटा मलिया, ओही ना कि अपने आल माइल करना बुरी गल है। आटा नहीं उन्हां को जल खर्चीए, ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਚਲਾ ਦਈਏ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਤੁਸੀਂ? ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਟੀ ਤੇ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਕਅਪ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਰਾਈਦਾ ਮੇਕਅਪ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦਾ, ਸਾਦੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਵਜੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਕਅਪ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨਾ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਾਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਘਰ ਵੀ ਇੱਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਜਨਾਬ ਉਦੋਂ ਕੜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੱਜੇ ਹੋਈਏ। ਰੱਜੇ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ ਨੀ ਤੂੰ? ਸਰ ਮੇਕਅਪ ਲਫਜ਼ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾ ਹੋਗਾ, ਦੇਖਾ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਗੈਰ ਵਾਈਫ ਕੈਸੀ ਲਗਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਵਾਈਫ ਕੈਸੀ ਲਗਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੇ ਜੀ, ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ, ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਯੇ ਮਸਨੂਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਦਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਵਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੇਕਅਪ ਅੰਦਰ ਹੁਆ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਗੈਰ ਤੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਮਸਨੂਈ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਸਰ ਆਪਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਮੈਡੀਸਨ ਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਆਪਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੇ ਜੋ ਇਨਕਮ ਆਤੀ ਹੈ ਉਸਮੇ ਸੇ ਕਿਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਗਮ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਪੇ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ? ਕਿਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਚਾਹੀਏ ਹੋਤੇ ਉਤਨੇ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਕਅਪ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਮਰਦੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਇਨਕੇ ਲਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਔਰ ਖਰਚਤੇ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਹਮ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਈ ਜਿਤਨਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਯੇ ਆਪਕੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਯੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੈ ਇਸਲੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਯਾ ਆਪਸੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਯੇ ਅਕੇਲੇ ਮੇਂ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤਾਰੀਫੇ। ਮੇਕਅਪ ਕਰਨੇ ਸੇ ਰੋਕਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਤੇ। ਤੋ ਆਪ ਕਿਤਨਾ ਮੇਕਅਪ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮਨੋ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਲੱਗਤਾ ਹੈ? ਬਸ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਜਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤਬ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜਬ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਮੇਕਅਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾੜਾ ਮੇਕਅਪ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹਦਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਦੋ ਡੱਬੀਆਂ ਜਿੰਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਕਅਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਭ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ।
अच्छा मैनू ये दसो कि अजकल कुड़ियां वा मतलब कि इदा लगता अठवीं के पेपर हो रहे हैं, मतलब ग्रोथ नहीं हैगी मतलब चौथी दे होंडे एडा छोटा माल आउंदे ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਸ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ? ਹਾਂਜੀ, ਅਰੇਂਜ ਪਲੱਸ ਲਵ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਰੇਂਜ ਫਿਰ ਲਵ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਲਹਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਕਅਪ ਇੰਨਾ ਥੱਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਉਹ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਧੋਖਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ 33-10 ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਡਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਰਕਤ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਰਤ ਖਲੋਤੀ ਹੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਖੈਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ? ਐਸੇ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਗਲੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਤ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸ਼ੌਕ। ਸਿਹਤ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਗਿਆ, 93 ਤੇ ਆ ਗਏ 122 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਜੁਨਸਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਡਰ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ।